आप सीख रहे हैं वर्डपैड की सीरीज में ये सातवां वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने सीखा पैराग्राफ के आइडेंट, बुलेट एंड नंबरिंग, लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट के बारे में। अगला ऑप्शन है जिसे पैराग्राफ ही हम मैनेज करने वाले हैं। इसमें देखिए हाईलाइट हो रहा है, सो द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, आज हम पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स के बारे में जानेंगे, इससे हम क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। देखिए पहले नंबर पे यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर एक बॉक्स हो रहा है, उसके अंदर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले नंबर पे देखिए यहाँ पर आइडेंट लिखा हुआ है, उसके बाद तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहले नंबर पे लिखा गया है लेफ्ट, लेफ्ट में यहाँ देखिए जीरो इंच दिया गया है। ठीक है, यानी कि हमारा जो पैराग्राफ है ये देखिए, ये हमारा अलाइनमेंट है 0.5 सेट किया गया है। ठीक है, यानी कि जो पेज सेटअप है उसमें 0.5 इंच के बाद ही हमारा पैराग्राफ या कोई भी किसी भी प्रकार का टेस्ट हो वो शो हो, ये चीजें यहाँ पर सेट की गई है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पैराग्राफ है यहीं से शुरू होने लग जाता है। अब यदि हमें चाहिए कि हमारा जो पैराग्राफ है वो शुरू हो 0.5 के बाद, ठीक है, यानी कि जो पैराग्राफ की पहली लाइन है वो कहाँ से शुरू हो, 0.5 इंच के बाद, यानी कि ये स्पेस तो रहे ही, इसके बाद 0.5 इंच स्पेस और आ जाए, यानी कि ये जो दा है देयर लिखा हुआ है ये यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट हो, बाकी लाइन वैसे ही रहे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 0.5 और इसे ओके कर देंगे। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मेरा जो माउस पॉइंटर था वो यहाँ पर था। ठीक है, इसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब आते हैं फिर से वापस। ठीक है, आइडेंटेशन ये वही चीज है जो आप यहाँ पर मैनेज कर रहे थे, यहाँ से आइडेंट को आगे पीछे कर रहे थे ना, ये सेम वैसा ही है। ठीक है, तो मैं फिर से करता क्या हूँ, पैराग्राफ ये देखिए मेरा पहला पैराग्राफ है, इसे क्लिक करता हूँ। अब देखिए लेफ्ट आइडेंट को सेट करना है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये टेक्स्ट है हमारा इधर आ जाए, ये पहला पैराग्राफ पूरा इधर आ जाए। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे 0.5, ओके कर देंगे। हमारा जो पूरा पैराग्राफ था वो देखिए राइट की ओर 0.5 इंच शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब फिर से हम वापस आते हैं, हमारा जो माउस पॉइंटर है वो कहाँ पर है, हमारा माउस पॉइंटर यहाँ पर था। ठीक है, अब मैं राइट से भी 0.5 जो है सेट करता हूँ, यानी देखिए हमारा जो लाइन है यहाँ से एंड हो रही है, 0.5 मैं इधर भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं 0.5 करने के बाद क्या होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखना है 0.5, ये मैंने 0.5 लिख दिया और ओके कर देता हूँ। ये देखिए हमारा 0.5 इधर अलाइनमेंट सेट हो गया है। ठीक है, तो सॉरी अलाइनमेंट नहीं, आइडेंट सेट हुआ है, इसको आइडेंट बोलते हैं। ठीक है, आइडेंट ये देखिए यहाँ से उठ करके यहाँ पर 0.5 पे आ गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट लाइन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसे यहाँ पर आप 0.5 डालें तो ये लाइन आएगी, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर फर्स्ट लाइन के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट लाइन। अब हमारी जो पैराग्राफ की पहली लाइन है उसमें कितना स्पेस हो जाए, यानी कि वो जो पहली लाइन है वो कहाँ से शुरू हो, उसे मैनेज करने के लिए यहाँ पर वैल्यू एड करनी पड़ेगी, इसे भी हम 0.5 कर देते हैं। तो जब 0.5 करेंगे तो हमारा जो डेयर है वो उठ करके यहाँ आ जाएगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। ये देखिए हमारा जो डेयर था वो 0.5 इंच आगे की ओर चला गया है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यदि हमें यही सारी चीजें पूरे टेक्स्ट यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करनी हो तो क्या करना होगा, सभी को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की आपको पता ही है, कंट्रोल प्लस ए होती है, आप जैसे ही करेंगे सारा मैटर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, ये ओपन हो गया और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 0.5 लिखा था, तो इसे 0.5 कर देंगे, इसे भी 0.5 कर देंगे और इसे भी 0.5 कर देंगे। इनमें से यदि आप किसी वैल्यू को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये देखिए जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, वो सारी चीजें जो है सारे पैराग्राफ में अप्लाई हो गई है। राइट से भी देखिए 0.5 है, लेफ्ट से भी 0.5 है, पैराग्राफ की पहली लाइन भी 0.5 जो है सेट हो गई है। अब मैं करता क्या हूँ, जो राइट अलाइनमेंट है उसे हटा देता हूँ क्योंकि ये ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, और बाकी चीजें वैसा का वैसा रखता हूं मैं।
फिर आते हैं लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग जो आप यहां से सीख रहे थे वही लाइन स्पेसिंग सेम यहां से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए इस समय डिफॉल्ट में जो लाइन स्पेसिंग सेट है वो 0.5 है, क्योंकि यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, मैं इसे कैंसिल कर इसे ओके करता हूं पहले, यहां पर 0 कर देता हूं। ओके ठीक है, इसे कंट्रोल जेड, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में अप्लाई हुए, मुझे सारे पैराग्राफ में चाहिए इसलिए यही सेटिंग, तो मैं इसे 0 यहां पर कर देता हूं। अब देखिए सारे पैराग्राफ में अप्लाई हो गया है। इसके बाद में लाइन स्पेसिंग यहां से हम देखेंगे, ये देखिए 1 सेट है, यानी कि जो लाइन स्पेसिंग है डिफॉल्ट में 1 सेट है, और जो हमें दिखाई दे रहा है जैसे मैं यहां पर आऊं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लाइन स्पेसिंग डिफॉल्ट में 1। अभी देखिए यहां पर मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया है तो यहां पर कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही। मैं करता हूं किसी एक पैराग्राफ में क्लिक करता हूं, अब आएंगे देखिए लाइन स्पेसिंग क्या शो हो रही है, हमें 1 शो हो रही है। ठीक है, अब हमें किसी एक पैराग्राफ में, हमने इस पैराग्राफ में क्लिक किया था तो इसी पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग हमें चेंज होती हुई दिखाई देगी। अगर मैं 1.15 करता हूं तो क्या होगा, ये देखिए ओके किया, ये देखिए थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग बढ़ गई हमारी। ठीक है, और बढ़ाना चाहूं तो क्या करना होगा, मैं 2 कर देता हूं पूरा। ओके, ये देखिए इसकी जो लाइन स्पेसिंग है 2 हो गई है। ठीक है, मैं डिफॉल्ट में क्या सेट थी, 1 सेट थी, हम कहां से मैनेज कर रहे थे, यहां से, हम यहीं से देखेंगे अभी, ये मैंने 1 कर दिया और ये देखिए जो लाइन स्पेसिंग थी पहले जैसी हो गई है। आपको बताना चाहूंगा जो लाइन स्पेसिंग होती है वो डिफॉल्ट में 1 होती है, ठीक है, सॉरी 1 नहीं 1.15 होती है, जो कि मैंने अभी ये देखिए सेट कर दिया है। इसके बाद मैं फिर से नीचे आता हूं, ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स खोलता हूं। अब देखिए यहां पर दिया गया एड 10 पीटी स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, अब ये क्या है, यहां पर जो आप यहां लाइन स्पेसिंग मैनेज कर रहे थे तो यहां पर भी एक ऑप्शन दिया गया था एड 10 पीटी स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स। ठीक है, यानी कि ये जैसे कि आपका पैराग्राफ है इसके बाद जो स्पेस दिख रहा है ये 10 पॉइंट का 10 पीटी स्पेस होता है, यानी पैराग्राफ्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए कितना स्पेस यूज किया जाता है। ठीक है, यदि आपको ये पैराग्राफ यूज करना है तो इसे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल जेड करता हूं। इसके बाद इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां से यहां तक का सारा जो भी था सब समझ में आ गया होगा। आते हैं अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट भी आप सीख चुके हैं। ये देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाई है, वही सेम चीजें यहां से आप सीख सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं स्किप कर देता हूं अभी के लिए। अब आते हैं अगला जो ऑप्शन दिया गया, यहां पर टैब्स दिया गया है। ठीक है, तो आपको पहले यहां पर दिखाना चाहूंगा, जैसे कि मैं टैब, ये हमारा जो कर्सर है यहां पर देखिए ब्लिंक हो रहा है, अगर मैं टैब बटन को प्रेस करता हूं तो क्या होगा, मैं इसके लिए अपना जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है उसे ओपन कर लेता हूं। ये OSKS का कमांड है, ये देखिए जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। ये देखिए कर्सर जो हमारा यहां पर ब्लिंक हो रहा है, अब मैं करता क्या हूं, एक बार टैब को प्रेस करता हूं। ये देखिए हमारा जो माउस पॉइंटर था 0.5 जो है राइट की ओर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, फिर से यदि यह टैब प्रेस करूं तो हमारा जो कर्सर है 0.5 जो है राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी टैब को कैसे हम मैनेज करेंगे, यानी कि मैं एक बार प्रेस करूं तो कहां पर शिफ्ट हो, दूसरी बार करूं तो कहां पर शिफ्ट हो, तीसरी बार करूं तो कहां पर ये शिफ्ट हो, उस सारी चीजें हम मैनेज करेंगे। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए और इसे फिर से मैं वापस लाता हूं। आ गया जस्ट बैक, ठीक है यहां पर है अभी। इसके बाद ये मैंने ओपन किया पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। अब आते हैं टैब में, अब जरा थोड़ा सा यहां पर देखिए, ये हमारा जो पैराग्राफ है कहां से शुरू हो रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, पहली लाइन हमारी यहां शुरू हो रही है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कर्सर है कहां पर होगा, यहां पर होगा। इसके बाद जब हम टैब प्रेस करेंगे, डिफॉल्ट में 0.5 सेट होता है, कर्सर हमारा इसके नीचे आएगा जस्ट। ठीक है, ये भी पॉइंट बना हुआ है, ठीक है आधा इंच का, फिर अगली बार यहां पर आएगा, अगली बार यहां, फिर यहां। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर किसी भी तरह के डॉट या पॉइंट अलग से शो नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन जब हम सेट करेंगे तो यहां पर अलग से पॉइंट बन के आ जाएंगे, क्योंकि वो कस्टमाइजेशन होता है टैब का। अब हम टैब को कस्टमाइज करने वाले हैं,
चलिए सेट करते हैं। पहली बार यदि हम टैब को प्रेस करें तो कितने इंच पर जाकर रुके, ये हम सेट करने वाले हैं। तो देखिए हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ से शुरू हो रहा है, अगर हम एक इंच सेट करते हैं तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक और सेट, ठीक है। एक के बाद कहाँ पर जाए, एक के बाद हम सेट कर देते हैं सीधे चार पे जाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे चार, ओके। सिर्फ आपको इस वैल्यू के देखना है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू के अनुसार ही जाएगा, चार इंच नहीं जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है उसके अनुसार जाएगा, ठीक है। अब हम लिख देते हैं सीधे 4.5, ठीक है, 4.5। अगली बार के लिए हमने सेट किया 4.5 पर, ये हमने सेट कर दिया और ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले एक इंच पे है, फिर इसके बाद सीधे चार पे, ठीक है, एक इंच पे ऑलरेडी है, और फिर आते हैं चार पे, फिर 4.5 पे, ठीक है। अब प्रेस करके देखते हैं, पहली बार हमने टैब प्रेस किया तो यहाँ पहले यहाँ पर तो ऑलरेडी है, अगली बार जब करेंगे तो कहाँ पर आएगा, हमारा माउस पॉइंटर 4 पे आ गया, डायरेक्ट 4 पे आ गया है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप एक प्रेस करेंगे, एक पर सेट किया है तो हमने कहा था ना वैल्यू पे देखना है, तो अगर हम दो प्रेस करते तो यहाँ पर दो पर आता, हमने वैल्यू एक डाली थी तो ऑलरेडी वो एक पर था। इसके बाद हम चार पर हमने सेट किया, चार पर आ गया, अगली बार प्रेस करेंगे ये देखिए 4.5 के जस्ट नीचे शो होने लग गया है। तो इस प्रकार से हम टैब को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला कोई ऑप्शन है क्या इसमें। देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन और नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने कुछ सेट कर रखा था, पांच पर है, एक पर है, फिर से पांच दोबारा नहीं होगा, सात पर आपने कर दिया, ठीक है, ये वैल्यू आपने सेट कर रखी है, ठीक है। सेट करने के बाद इन्हें इरेज करना है तो आप क्लियर ऑल भी यूज कर सकते हैं, क्लियर ऑल करके ओके कर देंगे। या फिर मान लीजिए आपने पहले तीन पर किया था, फिर पांच पर, फिर सात पर आपने सेट कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है आपका टेक्स्ट में जो कस्टमाइजेशन होगा वो उसमें प्रॉब्लम आ जाए। इसके लिए फिर से आपको वापस आना है और इसे हटाने के लिए फिर से टैब्स में जाना है। टैब्स में जाने के बाद यहाँ से क्लियर आर पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर जितनी फॉर्मेटिंग थी टैब की या फिर कस्टमाइजेशन था वो सारा कुछ इरेज हो गया है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे देखिए यहाँ पर जितने डॉट्स लगे थे सारे के सारे हट चुके हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपका ये जो आज का पैराग्राफ का वीडियो था पूरा का पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सीख रहे हैं।